तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम जानने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो इंटरनेट पर काफी फैली हुई है। जी हाँ, आखिर बॉलीवुड को टक्कर देकर साउथ इतना आगे क्यों बढ़ता जा रहा है, क्या इसका कारण है? एक समय भारत में बॉलीवुड से बड़ी इंडस्ट्री नहीं थी और आज एक पर एक फिल्म फ्लॉप होती जा रही है। चलिए जानते हैं। एक समय ऐसा था कि लोग फिल्मों के लिए सालों तक इंतजार करते थे, लेकिन आमिर खान 4 सालों बाद लाल सिंह चड्ढा में दिखे, फिर भी फ्लॉप गई। वहीं एसएस राजामौली की 500 करोड़ में बनी RRR ने ऑस्कर जीता और काफी अवार्ड भी। बॉलीवुड से साउथ बेहतर क्यों है, चलिए जानते हैं। इसका पहला कारण साउथ सिनेमा में होती है ओरिजिनलिटी। कुछ सालों पहले तक साउथ सिनेमा की फिल्में रीमेक के बाद भी बॉलीवुड के कई सितारे सुपरहिट फिल्में देते थे। सलमान खान तो ऐसे स्टार रहे हैं जिनकी कैरियर की सुपरहिट फिल्में जैसे तेरे नाम, वॉन्टेड, रेडी, बॉडीगार्ड तो साउथ फिल्मों की रीमेक है। इसके अलावा अक्षय कुमार, शाहिद कपूर जैसे एक्टर साउथ की फिल्मों के रीमेक के सहारे अपने कैरियर की दुकान चला रहे हैं। हालांकि OTT के दौर में फैंस अब साउथ सिनेमा का ओरिजिनल वर्जन ही देखना पसंद करते हैं और साउथ की रीमेक फिल्मों को नकार देते हैं। दूसरा कारण है अपनी जड़ों से जुड़ी है साउथ इंडस्ट्री। बॉलीवुड स्टार नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कुछ समय पहले कहा था कि साउथ में आपको हर इंसान अपनी भाषा में बात करता हुआ मिलेगा, चाहे वो मलयालम हो या फिर तमिल तेलुगु, लेकिन यहाँ पर लोग बनाते हिंदी फिल्म है, बोलते सिर्फ इंग्लिश में है। जो एक्टर छोटे शहर से आया है वो आधी चीजें समझ नहीं पाता, इससे साफ होता है कि लोग अपनी जड़ों से जुड़े नहीं है, जिसके चलते अब लोग बॉलीवुड की उन फिल्मों को पहचानने लगे है जो कल्चर से जुड़े होने का दावा तो करती है पर उन्हें देखने के बाद ऑडियंस का इसका एहसास नहीं होता। तीसरा कारण है साउथ सिनेमा के सितारे हैं ज्यादा सिक्योर। इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR में साउथ के टॉप 2 सितारे रामचरण और जूनियर NTR काम करते हुए नजर आए थे। इससे पहले बाहुबली में प्रभास और राडा दगोबत्ती जैसे सितारे साथ आए थे, लेकिन शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान जैसे सितारों को एक साथ फिल्म में नहीं देखा होगा। खुद शाहरुख खान ने एक पत्रकार के सवाल के जवाब में कहा था कि तीनों खानों को एक फिल्म में लोगे तो चड्डी बनियान बिक जाएगी। बॉलीवुड सितारों की ये इनसिक्योरिटी पर्दों पर दिखती है, वही साउथ सितारे फिल्म को बेहतर बनाने के लिए साथ आने को तैयार दिखते हैं। इसका चौथा कारण है बॉलीवुड में स्क्रिप्ट को लेकर रिसर्च की कमी। बॉलीवुड के डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने हाल ही में अपने इंटरव्यू में कहा था कि साउथ में आपको अलग अलग कल्चर और बैकग्राउंड से फिल्में देखने को मिलती है, लेकिन बॉलीवुड में इन चीजों पर फोकस नहीं किया जाता। उनकी कोशिश होती है अगर पायरेट्स ऑफ कैरेबियन रिलीज हुई तो उसका थग्स ऑफ हिंदुस्तान बना दो, मैड मैक्स फिल्म आई तो उसका शमशेरा बना दो। ये सब फिल्में 3-4 साल पहले चल सकती थी जब OTT प्लेटफॉर्म नहीं था। इसका पांचवा कारण है बॉलीवुड को लेकर बनी एंटी हिंदू धारणा। एक और वजह जिसके चलते हिंदू धर्म के फैंस भड़के हैं क्योंकि उन्हें लगता है बॉलीवुड के सितारे अक्सर अपनी फिल्मों में हिंदू धर्म का मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं। वही साउथ इंडस्ट्री के सितारों को लेकर लोगों के बीच ऐसी धारणा है कि वे हिंदू धर्म के प्रति अपनी आस्था को शानदार तरीके से फिल्म में दिखाते हैं। आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा की बॉयकॉट की एक बड़ी वजह उनकी फिल्म PK हिंदू धर्म का मजाक उड़ाना भी था। अक्षय कुमार की फिल्म ओ माई गॉड के चलते बॉयकॉट झेल चुके हैं। इसका छठा कारण है सोशल मीडिया के चलते भी खत्म हुआ बॉलीवुड सितारों का स्टारडम। एक दौर था जब राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान को देखने के लिए लोग तरसते थे, अगर उन्हें देख लेते तो उनकी सांसें अटक जाती थी, लेकिन सोशल मीडिया से उनकी मिस्ट्री और उनका वैल्यू खत्म हो गया। कुछ हीरो ऐसे भी है जो सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहे। अगर आप इन बातों से सहमत हो तो कमेंट कर देना और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में।